एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइड प्रिया सिंह। सो एज यू रेड बाय द टाइटल, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय लेजिट वन ईयर रियल एक्सपीरियंस विद राइस वाटर। सो गाइस, अगर आप लोग मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आप लोग जानते हो कि मेरी मोस्टली है के वीडियोज में मैं आपके साथ राइस वाटर के बेनिफिट शेयर करती रहती हूँ, बट बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी आप सभी में। सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक और डिटेल वीडियो लेके आऊं, अपना एक ईयर का रियल एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो इस टाइम पे क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली वीडियो देख सकते हो, बट उससे पहले मैं अपना कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने इस राइस वाटर के यूज करने के बीच में देखी। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सोचते हो कि राइस वाटर यूज करने से ओवरनाइट आपकी हेयर ग्रोथ ट्रिपल हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। राइस वाटर के लिए आपको सबसे पहले पेशेंस रखना पड़ेगा, एंड सेकेंड थिंग कंटिन्यूटी। ये दोनों चीज आपके हेयर ग्रोथ को नॉट ओनली ट्रिपल करेगी, बट एट द सेम टाइम आपके हेयर में अगर वॉल्यूम नहीं है तो उसे भी इंक्रीज कर देगी। अगर आपके हेयर काफी ज्यादा रफ है, लिटरली आपके पूरे स्कैल्प एरिया पे डैंड्रफ है, तो वो भी ट्रीट हो सकता है। तो राइस वाटर सिर्फ आपके हेयर ग्रोथ में भी बेनिफिशियल रहता है, बट ये बहुत सारे आपके हेयर प्रॉब्लम्स को भी क्योर करता है, तो इसे भी आपको मेक श्योर करना है। एंड इस बीच गाइज, मैंने हेयर फॉल को भी इश्यू किया है क्योंकि मैंने राइस वाटर को गलत वे में यूज किया, दैट्स व्हाई मुझे हेयर फॉल भी हुआ, मुझे डैंड्रफ भी हुआ। अब ये सब क्यों हुआ, ये सारी मिस्टेक्स भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने गलत वे में राइस वाटर अपने स्कैल्प एंड हेयर पे अप्लाई किया ना, तो इसके रिजल्ट्स आपके हेयर को कहीं ना कहीं डैमेज कर सकते हैं। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप वन इज मेकिंग राइस वाटर। इसके लिए सबसे पहले आपको राइस लेना है। आपके पास घर में जो भी राइस अवेलेबल है आप उसे यूज कर सकते हो, कोई भी ब्रांड लेने की जरूरत नहीं है, बस मेक श्योर करना वाइट राइस लेना है आपको। उसके बाद आपको एक बोल में अराउंड 3 फुल टेबलस्पून राइस लेना है। मैं अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, आप 2 टेबलस्पून भी ले सकते हो, बट 3 टेबलस्पून एकदम परफेक्ट अमाउंट रहेगा। उसके बाद आपको एक बड़ा सा कंटेनर लेना है एंड उसके अंदर राइस को डाल के अच्छे से 2 बार वॉश कर लेना है, सो दैट कि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्लीन आउट हो जाए। उसके बाद जो बचे हुए राइस हैं इसके अंदर मैं 2 फुल बोल वाटर ऐड करूँगी एंड इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर 2 लेमन के छिलके डालूंगी, सो दैट कि अगर आप इसे ओवरनाइट रखो तो राइस की स्मेल बिल्कुल भी ना आए। आफ्टर सोकिंग द राइस फॉर 6 to 12 आवर्स मैं लिड को रिमूव कर लूँगी एंड लेमन पील को भी हटा लूँगी एंड राइस को थोड़ा सा राइस वाटर में मिक्स करने के बाद मैं एक बॉटल कंटेनर में राइस वाटर को ट्रांसफ़र कर लूँगी फॉर ईजी एप्लीकेशन। आप मग में भी ले सकते हो, ग्लास में भी ले सकते हो। एंड बचा हुआ राइस वाटर मैं एक बोल में निकाल के रख दूँगी एंड एक जो राइस बचे हुए हैं उसे भी मैं एक बोल में रख दूँगी, इसका आगे यूज़ होगा। स्टेप 3 इज एप्लीकेशन प्रोसेस। तो राइस वाटर अप्लाई करने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपके हेयर एकदम वेल कॉम्ब्ड हों, जितनी भी टैंगल्स हैं उसे अच्छे से डीटैंगल कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ वुडन कॉम्ब, जो कि ऑलरेडी मैंने अपनी बहुत सारी हेयर केयर वीडियोज़ में आपको शो किया है। उसके बाद मैं राइस वाटर यूज़ करूँगी। सो डायरेक्टली मैं राइस वाटर को अपने स्कैल्प एरिया से अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी। वैसे दिस मेथड इज़ द बेस्ट वे टू यूज़ राइस वाटर, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले तो आपका जो राइस वाटर है वो वेस्ट नहीं होता, वो डायरेक्टली आपके स्कैल्प में अप्लाई होता है एंड ऑल्सो इससे आपके सारे रूट्स एंड स्कैल्प एरिया में प्रॉपरली राइस वाटर अच्छे से पेनिट्रेट हो पा। सो राइस वाटर कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स जो आपके स्कैल्प के फॉलिकल्स को हेल्दी बना के रखते हैं। वैसे तो ये क्लिनिकली प्रूवन नहीं है कि ये आपके फास्टर हेयर ग्रोथ में प्रमोट करता है, बट कंटिन्यूस यूज से मैंने नोटिस किया है कि मेरे हेयर एकदम शाइनियर, हेल्दियर एंड साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। एंड गाइज, अगर आप इसे अच्छे से यूज़ करोगे ना तो डेफिनेटली आपके बालों की शाइन इंक्रीज होगी, आपके जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है ना, बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड्स हैं जो आपके हेयर रूट्स को स्ट्रेंथन करता है, आपके बालों को स्मूथ एंड सिल्की बनाता है। एज यू कैन सी कि राइस वाटर मेरे स्कैल्प एरिया एंड स्ट्रैंड्स एरिया पे अच्छे से पेनिट्रेट हो गया है, मेरे हेयर एकदम वेट हो चुके हैं, तो मैं एक अच्छा सा हेयर बन बना लूँगी एंड देन उसके बाद एक कॉटन की टी शर्ट की हेल्प से अपने हेयर को अच्छा से रैप अप कर लूँगी, सो दैट कि जो राइस वाटर का एक्सेसिव वाटर है वो कहीं ड्रिप ऑफ ना हो जाए।
गाइस, जब तक राइस वाटर मेरे स्कैल्प एरिया पे एंड हेयर लेंथ एरिया पे पेनिट्रेट हो रहा है, तब तक मैं आपके साथ डूज एंड डोंट शेयर कर देती हूँ जो आपको मस्ट फॉलो करना ही करना है। सो टिप नंबर वन इज कि आपको राइस वाटर को एक मंथ में 3 से 4 बार ही अप्लाई करना है। इससे ज्यादा आपको लिमिट नहीं क्रॉस करनी है। लाइक लिटरली 3 बार इज मोर देन इनफ। तो मैं हर वेंसडे को मेक श्योर करती हूँ कि मैं हर वेंसडे अपने हेयर पे अच्छे से राइस वाटर अप्लाई करूँ, क्योंकि अगर आप राइस वाटर को बहुत ज्यादा ओवर यूज करने लग जाओगे तो ओवरलोड प्रोटीन होने की वजह से आपके हेयर काफी ज्यादा रफ हो सकते हैं। सो मंथ में 3 से 4 बार इज मोर देन इनफ। सेकेंड टिप इज कि गाइज, आपको मेक श्योर करना है कि राइस वाटर को 30 to 40 minutes तक ही रखना है। इससे ज्यादा अगर आप रखते हो तो और ज्यादा तो बेनिफिट दिखने को नहीं मिलेंगे, बट एक चीज हो जाएगी कि आपके हेयर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके स्कैल्प में डैंड्रफ हो सकता है। तो 30 minutes इज मोर देन इनफ। तो 30 minutes तक आपको राइस वाटर अपने स्कैल्प पे अप्लाई करके रखना है, उसके बाद आपको हेयर वॉश कर लेना है। थर्ड टिप इज कि गाइस, मैंने बहुत सारी यूट्यूबर्स को देखा है जो 7 days चैलेंज करके विद राइस वाटर डाल देते हैं यूट्यूब वीडियोस पे, बट अगर आप डेली राइस वाटर यूज करोगे तो ओवरलोड हो जाएगा प्रोटीन आपके स्कैल्प में एंड आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल होगा। गाइस, मैं ये चैलेंज आपके लिए भी कर रही थी एंड मुझे इसकी वजह से सीरियसली में बहुत ज्यादा हेयर फॉल हुआ है। तो ये मिस्टेक तो बिल्कुल भी आप लोग नहीं करना। और इसकी गाइस, आप जिस दिन भी राइस वाटर यूज करोगे उस दिन मेक श्योर करना कि हेयर वॉश करने के बाद आपको कोई भी कंडीशनर अप्लाई नहीं करना है। हाँ जी, अगर आपने कंडीशनर अप्लाई किया ना तो ये आपके राइस वाटर के बेनिफिट्स को कट ऑफ कर देगा, क्योंकि कंडीशनर में थोड़े ज्यादा केमिकल्स होते हैं जो आपके हेयर के जितने भी बेनिफिट्स होंगे राइस वाटर के थ्रू आपको मिल रहे होंगे वो टोटली कट ऑफ कर देगा। तो कंडीशनर यूज करने का बिल्कुल भी मतलब नहीं बनता है। उस दिन अवॉइड कीजिए कि आप कंडीशनर बिल्कुल भी यूज मत कीजिए। फाइव इज कंटिन्यूटी ऑफ यूजिंग राइस वाटर। अब यार देखो क्या होता है ना कि जब आपको किसी चीज कर रहे हो उससे रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप थक हार के सोचते हो हटाओ, मैं तो नहीं करूंगी, अब मैं तो नहीं करूंगा। बट गाइज, राइस वाटर के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर आपने इसे कंटिन्यूसली यूज किया तो डेफिनेटली आपकी हेयर ग्रोथ तो होगी होगी, इसके साथ आपके बहुत अच्छे हेयर हो जाएंगे, आपके वॉल्यूमिनाइज हो जाएंगे, आपके जो हेयर है काफी ज्यादा टैंगल रहते थे वो डीटैंगल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यार देखो, कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है, डेफिनेटली आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा एंड साथ ही साथ आपको मेक श्योर करना है कि राइस वाटर करेक्ट वे में यूज करना है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। आफ्टर 30 minutes आप देख सकते हो कि मेरे हेयर हल्के हल्के से ड्राई होना स्टार्ट हो गए हैं एंड जैसे ही आप क्लचर रिमूव करोगे तो आपके हेयर जब थोड़ा सा हल्का सा हार्ड फील हो, दैट मीन्स राइस वाटर अच्छे से पेनिट्रेट हो गया है एंड नाउ इट्स टाइम टू वॉश आवर हेयर। स्टेप 5 इज शैम्पूइंग योर हेयर। तो शैम्पू के लिए यहाँ पे मैं 2 kind of शैम्पू यूज़ करती हूँ। रेनी डेज पे मैं लॉरियल पैरिस का यूज़ करती हूँ एंड हॉट एंड ह्यूमिड डेज पे मैं डव शैम्पू यूज़ करती हूँ। तो अब इसे यूज़ कैसे करती हूँ, मैं एक बोल में 1/4 cup वाटर लेती हूँ एंड 3 pump शैम्पू ऐड करके अच्छे से विस्क कर लेती हूँ एंड देन अप्लाई करूँगी। हेयर वॉश करने के लिए सबसे पहले आप अपने हेड को नीचे कर लीजिए एंड देन उसके बाद आपको डायरेक्टली शैम्पू अप्लाई नहीं करना है, नॉर्मल वाटर से अपने हेयर को रिंस ऑफ करना है, क्योंकि डायरेक्टली शैम्पू अप्लाई करने से आपका हेयर फॉल हो सकता है, जो कि मुझे भी हो चुका है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मल टेम्परेचर वाटर से जितना भी रेसिड्यू रह गया है राइस वाटर का आपके स्कैल्प एरिया में एंड स्ट्रैंड्स एरिया में, उसे रिंस ऑफ कर लीजिए। मैं मान के चलती हूँ 5 मग्गे पानी से मेरा वॉश ऑफ हो जाता है इजिली। उसके बाद मैं यहाँ पे मिक्स किए हुए शैम्पू को अपने डायरेक्टली स्कैल्प एरिया पे अप्लाई करती हूँ एंड मसाज करती हूँ अपने पूरे स्कैल्प एरिया को, सो दैट कि मेरा इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा एंड साथ ही साथ मेरे हेयर से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, डर्ट हैं, वो थॉरली रिमूव हो सकेंगी। सो आप देख सकते हो ज़्यादा मैं लैदरिंग नहीं कर रही हूँ शैम्पू का, बहुत ही हल्का हल्का आपको अप्लाई करना है एंड अच्छे से अपने हेयर को वॉश ऑफ कर लेना है। ड्राइंग माई हेयर, ये 2nd day की क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि 2nd day ही आपको रियल रिजल्ट्स आपके हेयर में शो होंगे। आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी शाइनी लगेंगे एंड बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनाइज भी हो जाएंगे। तो पूरे 1 साल में
मैंने 13 to 14 इंचेस अपने हेयर ग्रो किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपके साथ पिक्चर्स भी शेयर कर दूंगी कि मैंने कितना ज़्यादा ग्रो किया है। नॉर्मल आपका 6 to 7 इंचेस ही ग्रो होता है, बट मैंने 13 to 14 इंचेस ग्रो किया है। सो गाइस, रिमेंबर जो हमने सोक करके राइस रखे थे, अब मैं इसका बॉडी स्क्रब प्रिपेयर करूंगी। तो मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसके अंदर मैं पिंच ऑफ वाइल्ड टर्मरिक पाउडर ऐड करूंगी। उसके बाद 1/2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ऐड करूंगी, आप मार्केट का ही यूज़ करना। एंड अराउंड 5 ड्रॉप्स ऑफ ऑलिव ऑयल यूज़ करके अच्छे से इसे थॉरली मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद ये हमारा बॉडी स्क्रब रेडी है। अब मैं इसे अपने हैंड्स एरिया पे या फिर लेग्स एरिया पे भी यूज़ कर लेती हूँ वीकली बेसिस पे। सो इससे मेरी बॉडी भी एक्सफोलिएट हो जाती है एंड साथ ही साथ मेरा राइस वाटर का भी यूज़ हो जाता है। एंड एज यू कैन सी कि कितना ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देता है। होपफुली आपको वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी हो। सो गाइस, डेफिनेटली से राइस वाटर को अपने हेयर के रूटीन का एक पार्ट बनाइए, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव आपको खुद देखने को मिलेंगे। एंड साथ ही साथ गाइस देखो, राइस वाटर का तो यूज करके भी मैंने आपको बता दिया, साथ साथ में जो राइस बच जाता है जो हम लोग थ्रो कर देते हैं, उसका भी बॉडी स्क्रब के वे में आप बहुत ही इजीली वे में यूज भी कर सकते हो। तो यार देखो, राइस वाटर का भी यूज हो गया एंड बचे हुए राइस का भी यूज हो गया। तो देखा ना, मैं आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं शेयर करती हूँ जो आपको जिसके अंदर आपका लॉस हो। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये वीडियो को लाइक कर देना, अपनी सारी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि यार अकेले अकेले ये बेनिफिट नहीं उठाने हैं, सबको शेयर करना है, सबकी हेल्प करनी है एंड हेयर को एकदम लॉन्ग करना है। सो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।